ये कहानी है जॉन नाम के एक आदमी की, जिसे समुन्दर के बीच में एक अनजान बोट मिलती है। अब जब वो अंदर जाता है तो उसके साथ क्या क्या चीज होती है, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि अपनी छोटी सी बोट लेकर निकल चुका है फिशिंग करने के लिए। थोड़ी दूर चलने पर उसे अपनी तरफ फॉग आते हुए देखता है और सामने बिल्कुल अंधेरा छा चुका था, और तब उसे बड़ी सी बोट दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है और उसके मालिक को बुलाने की कोशिश करता है, शायद यहाँ कोई फंस गया हो। उसे कोई भी आवाज नहीं आती, मतलब ये बोट लावारिस है। वो पहले तो अपनी छोटी सी बोट को बांधता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। अंदर जाने पर वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, वहाँ जो खाना रखा हुआ था वो भी फ्रेश था, मतलब कि इसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ। यहाँ पर खड़े हुए जॉन बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं होती, जिसके बाद वो दूरबीन से आसपास देखता है कि शायद इसका मालिक आसपास हो और उसे दिख जाए, पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो रेडियो पर भी मैसेज कंट्रोल रूम में भेजता है, कैबिनेट बोट यहाँ पे फंसी हुई है, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो प्लीज जवाब दे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। ये सारी चीजें करने के बाद वो दोबारा डक कर जाता है। वहाँ पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी छोटी सी बोट वहाँ से गायब थी, लेकिन उसने अपना बोट को बांधा हुआ रखा था तो वो कैसे गायब हो सकता है, यही सोचकर उसका दिमाग खराब होने लगा है। और एक तो ये बोट बंद है और ऊपर से उसकी बोट भी गायब है। जब वो मैप में देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो किस जगह फंसा हुआ है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि आसपास सिर्फ पानी ही पानी है, इसलिए दोबारा इंजन रूम में जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। उसके छूते ही इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक एक चीज उसके साथ अच्छी हुई थी, वो एक बार फिर से कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन फिर से उसे नाकामी हाथ लगती है। अब थोड़ी देर में उसे टॉयलेट भी लग जाती है। वो सोचता है कि चलो उसे नीचे जाने की क्या जरूरत है, यहाँ पर ही टॉयलेट कर लेते हैं। अब वो जैसे ही सुसु करने की कोशिश करता है, उसे जोर का धक्का लगता है और बोर्ड से गिरने ही वाला था, लेकिन सही मौके पर वो रस्सी को पकड़ लेता है और समुन्दर में गिरने से बच जाता है। अब ये बोट नहीं चाहती कि वो बोट के ऊपर टॉयलेट करे और उसे गंदा करे, इसलिए शांति से वो नीचे बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। लेकिन एक मुसीबत कम नहीं हुई थी कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। बाथरूम का गेट लॉक हो गया था और खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब उसे ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे कैंची मिलती है। उसे भी ट्राई करता है गेट खोलने की, लेकिन सारी कोशिश बेकार थी। अब उसे बाहर से रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है। इसी पल से विंडो से बाहर एक शिप भी देखता है, शिप यहाँ से चला जाएगा और वो फिर से अकेला रह जाएगा, इसलिए वो पूरी ताकत लगा देता है उसे खोलने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। अब वो विंडो से बाहर शिप को एक कपड़ा दिखाता है कि शायद वो उसे देखकर रुक जाए, लेकिन वो छोटा सा कपड़ा कैप्टन देख नहीं पाते और शिप जाने लगता है। जॉन को एक दूसरा आइडिया आया था, वो रस्सी से अपने बोट को रोकने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश काफी अच्छी थी, लेकिन तभी वो रस्सी जाकर इंजन के फैन में जाकर फंस जाता है और दूसरी तरफ की रस्सी जॉन के गले में रस्सी खींचती जा रही थी और जॉन का गला दबता जा रहा था। एक समय ऐसा आता है जब जॉन मरने ही वाला था, लेकिन जैसे भी करके उस रस्सी को अपने गले से निकाल लेता है और मरते मरते बचता है। और तभी वो शिप उसकी छोटी सी बोट से टकराती है और उसे काफी चोट भी आती है। वो शीशे में खुद को देखता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि उसने गलती कर दी वो बोट पर आकर, और ताकत लगाता उस गेट को खोलने की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने पकड़ रखा था उस डोर को और वो खुलने का नाम नहीं ले रहा था। अब जॉन को भूख और प्यास भी लगने लगी थी, वो शॉवर से पानी पीने की कोशिश करता है लेकिन उसमें भी पानी खत्म हो चुका था। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ती है, अब बोट में टक्कर की वजह से छेद हो गया था और पानी भी भरने लग गया था। वो उसी पानी को पीने लगता है, लेकिन अब वो इन चीजों से परेशान हो चुका है और उसे अभी भी लग रहा था कि बोट में कोई इंसान मौजूद है। जॉन रोते हुए इंसान से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो डोर नहीं खुलता। लेकिन वही हम देखते हैं कि बोट अपने आप चल रही है। धीरे धीरे अब रात हो गई है लेकिन जॉन अभी भी वहीं फंसा हुआ था। तभी उसकी तरफ तेज तूफान और बारिश आने लगती है। इस तूफान की वजह से पूरी बोट ढोलक की तरह इधर उधर घूम रही थी। अब उस जगह पानी भरना शुरू हो गया था और जहाँ जॉन फंसा हुआ था, जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। अब वो बस वही चुपचाप बैठ जाता है। अब उसकी आँख खुलती है तो तूफान शांत हो चुका
चुका था, लेकिन जॉन बैठे बैठे अकड़ चुका था। उसकी उंगलियां अकड़ गई थी, बोट में कंधे तक पानी भर चुका था। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता और एक बार फिर से कोशिश करता कि शायद इस बार गेट खुल जाए। इस बार वो पानी के नीचे जाता और देखता है कि गेट पहले से खुला हुआ है, किसी ने गेट को खोल दिया था। वो जोर का धक्का देता और उसे तोड़कर बाहर आ जाता है। वो सबसे पहले तो भागते हुए डेक पर जाता है और खुली हवा में सांस लेता है। उसे समझ नहीं आता कि एक्चुअल में इस बोट पर हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था कि इस बोट को किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया है और इसे चला रहा है। अब यहाँ से कैसे भी करके निकलना है, तो उसे एक आइडिया आता है। वो कुछ एयर बैग्स निकालता है और नीचे से वही बाथरूम का फ्लोर वाला डोर होता है वो लाता है। फिर उन दोनों की मदद से वो बोट बनाता है जिससे कि यहाँ से निकल सके। अब बोट तो बन गई थी, लेकिन रास्ते के लिए कुछ खाना भी चाहिए था। बोट से कुछ खाने का सामान लेता और वो अपनी छोटी सी बोट बड़ी वाली बोट से बांध देता ताकि उसके साथ साथ वो यहाँ से निकल सके। जैसे ही वो उस राफ्ट पर बैठता है तो बड़ी वाली बोट वहीं पर खड़ी हो जाती है। बोट हिलने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि बोट नहीं चाहती कि जॉन यहाँ से जाए। वो कई घंटे तक उसी राफ्ट पर बैठा रहता है कि बोट अब चलेगी, लेकिन वो बोट चलती नहीं और जॉन को भी समझ आ जाता है कि उसे इस बोट से निकलना ही होगा। इसलिए वापस वो बड़ी वाली बोट पर आ जाता है और सबसे पहले तो भरे हुए पानी को बाहर निकालता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। वो मोटर को भी ठीक करता है जिसे तेजी से पानी निकल रहा था। अब बोट में जो जो दिक्कत देती अब वो उन सभी को ठीक करता है और उससे टूटे हुए हिस्से को भी पेंट करता है ताकि फिर से पानी ना घुसे। सारी चीजें करने के बाद वो एक बार फिर से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है कि शायद उसकी आवाज कोई सुन ले। सामने से कोई जवाब नहीं आता तो वो थक हार कर डेक पर बैठ जाता है और मैप में खुद की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है। अब ये सारे काम करने के बाद वो बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट बंद हो चुकी थी क्योंकि ये बोट सिर्फ अपने आप चलती है। और वो सोचता है कि क्या किया जाए। ऐसे समय पर उसे सामने से शिप आते हुए देखता है और वो सीधा पानी में छलांग लगाता है। वो अपनी छोटी राफ्ट को चलाते हुए उसके पास जाने लगा है, लेकिन यहाँ पर अब देखिए जो बोट अभी तक स्टार्ट नहीं हो रही थी वो अपने आप चलने लगती है और वो सीधा उसकी तरफ आने लगती है। वो अपनी राफ्ट से तेजी से भागता है, लेकिन वो बोट और तेजी से स्पीड बढ़ाकर उसे ही बस टकराने ही वाला था कि जॉन पानी में कूद जाता है और अपनी जान बचाता है और उसकी आंखों के सामने वो शिप दूर चली जाती है। अब ये सीन देखकर जॉन और हम समझ जाते हैं कि ये बोट नहीं चाहती कि वो उससे दूर जाए, और यही सोचकर जॉन पूरे समय पानी में गुजारता है। लेकिन इस पानी में शार्क भी मौजूद है और सबसे बड़ी मुसीबत है ठंडा पानी, और उसे ना चाहते हुए भी वो वापस शिप पर आ जाता है। अब वो ठंड की वजह से कांप रहा था, इसलिए सीधा नीचे जाकर ब्लैंकेट तोड़कर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो बोट चली जा रही है और उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। वो ऊपर डेक पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वहाँ पर मेन गेट लॉक हो जाता है। वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि वो जब से इस बोट पर आया था उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुए जा रहा था। तभी उसकी नजर बाथरूम पर पड़ती है जहाँ एक रास्ता था ऊपर जाने का। वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ से एंट्री का रास्ता बंद हो जाता है। मतलब जॉन पूरी तरीके से छोटी सी जगह पर फंस चुका है, और तभी वो बोट पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर देता है। जॉन इधर उधर गिरने लगता है और उसके सर में हाथ में हर जगह चोट लगना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी बोट की स्पीड स्लो हो जाती है और गेट भी खुल जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो वो एक शहर के पास आकर रुकी थी। जॉन भागते हुए किनारे की तरफ जाता है और एक आयरन रॉड उठा लेता है। उसे लग रहा था कि कोई आदमी यहीं छुपकर इस बोट को चला रहा है और उसी ने जॉन को किडनैप किया, लेकिन बहुत देर छानबीन करने के बाद उसे कोई भी नहीं मिलता। तो जॉन वापस से बाहर आता है, लेकिन जो मंजर वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बोट अपने आप चल रही थी और वो जॉन को किनारे पर छोड़कर जा रही थी। उसे समझ आ जाता है कि जरूर कोई शक्ति उस बोट को चला रही है, और वो बोट फिर से अपने नए शिकार पर निकल चुकी थी। जॉन उस जगह पर सबसे ऊपर वाली चोटी पर जाता है और समुन्द्र को देखता है और फिर से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन घूम फिर कर वो फिर से वहीं आ जाता है। तभी उसे अपनी बोट मिलती है जिसे वो लेकर समुन्द्र में गया था, लेकिन फिर से वो वापस किनारे पर आ गई थी। बोट किनारे तक कैसे आई, फिर उस बोट में क्या था, इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।